राइट। बस यहाँ से एमी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? दीपक नाबम लिविंग होम। So we have reached here. Oh shit, the park is there. We're right. Yeah. एमी आते रहते हैं यहाँ में, तो वो बोला कि हम लोग को भी चलो आज सैटरडे में। हाय सोनम, अब क्या लाए? हाय गाइंग। हाय पलक, एमी बताओ ना। या शी शी इज हियर फ्रॉम 2014 ना, और सबके लिए देखभाल कर देते हैं। Wow, so nice of you. क्या है? Oh, this is the storeroom, na? Storeroom. Oh. 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 दिस इज फीमेल वार्ड। हम लोग जस्ट घूम रहे हैं अभी, सबको मिले। How are you feeling, Jyoti? I'm feeling nice. He is Deepak Navam sir. मरने नहीं देगा। Hi Deepak sir. Okay, okay. ये आपका NGO? NGO है ना, क्या है आप लोग, क्या नाम देते हैं इसको? जी जी, Deepak Navam Living Home. और लिविंग होम ना, आप कब से शुरू कर रहे हैं? अब क्या आपको क्या मोटिवेट किया है ये वो करने में, खोलने में इसको? ये मोटिवेट, हाँ, ये करने का जो प्लानिंग, हाँ, मेरा कोई प्लानिंग नहीं था, हाँ, समझे ना, मेरा कोई प्लानिंग नहीं था, लेकिन मेरा जीवन जिंदगी में ऐसे ही, ये जो इन लोग जो अभी है ना, ऐसे हालत से मैं भी गुजर के आया है और उन लोगों का दर्द को मैं समझता हूँ और आज भी उन लोगों के साथ वही फ्रेंड में एक सेवा करके आया हूँ और अभी भी वही सोचते हैं, फ्रेंडली से बात कर रहे हैं। गाइस सो ब्यूटीफुल ऑफ यू, थैंक यू। हेलो, नो अल्पा, सब लोग हीरो लग रहे हैं, हीरो केली, हां केली एनी केली एनी So Palak is telling us all the showing us all the things. Kya bolega Sona? She's showing, Palak is showing us rooms. Nahi, tour kar raha hai. Haan, to Palak hum logo sab ka tour kar raha hai. She's telling us everything, kya karta hai, kya hota hai. So it's a nice Saturday. इसे तो नहीं दिखा देगा ना, सकते हैं अपना से गुस्सा होता है ना, जंगल में घूमते है ना, क्या क्या करते है। अब लोग बुरी को भी, बुरी लोग को भी रखते है ना। हाय आप लोग को भी मार देते कभी कभी, मारता है ना। आपको दर्द नहीं लगता है तब? तो दर्द
डर लगता है उन्हें से उन्हें को बसाना पड़ेगा तो ना दूसरा कम किया उन्हें कबाजे में ना ऐसे हम फिर संभालते हैं तो संभालने वाला उन्हें से भी हम यहाँ में सब मेंटल से लेके ऑल एज से लेके एवरी काइंड ऑफ पीपल आर हियर लाइक हु नीड्स हेल्प. तो दीपक सर डूइंग इट इन हिज ओन. तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी ग्रेट जॉब ही इज़ डूइंग. और एक सबसे मोरम वाला चीज़ ही थिंक्स दैट ही इज़ आर्मी. वो अभी तक अपना आपको आर्मी सोचते हैं वाला. हेलो हेलो केतन है. केतन है ना. यू नो एवरी वन हियर नो. अभी आप निकल जाएगा ना लेकिन अप्रैल में. अप्रैल में आप जाएगा. ओके ओनर स्टेज हियर. दीपक सर एंड हिज वाइफ एंड फैमिली स्टेज हियर. ये सब वो लोग के लिए बना रहे हैं ना ये घर लोग भी. आपको हाथ में काट दिया कौन? ये पागल है. देखिएगा आया एम्स तेरे यहाँ में कितना बार हो गया आने वाला. वो बात कर लिया हम लोग. दो बार लास्ट एक. तुमको कौन बताया इसका बारे में? माय सिस्टर हम जो ये अक्टूबर से पहले भी था अच्छा के लिए बीत रहे ना हम घर में भी तकलीफ था से थोड़ा मन को अच्छा लगता है अच्छा फील होता है आदमी भी आने से अच्छे से बात करते हैं ना जैसे कि अभी आप लोग आए हैं ना ऐसे बात करने से अच्छा लगता है. दीदी है मेरा पाँच है तो दीदी बाकी सब शादी हो गया ना सिर्फ भैया है. भैया भी अभी थोड़ा गुस्सेलू है ना इसीलिए भैया से हम घर में रहते हैं ना. और कुछ अच्छे के लिए तो बेहतर है ना क्योंकि घर में तो पढ़ाई भी नहीं किया था आधा किया छोड़ दिया उसके बाद में क्या करेगा घर में इसलिए यहाँ मैं ऐसे थोड़ा मन को शांति और यहाँ में हर कोई का प्रॉब्लम ही तो है ना इसीलिए सब अलग अलग टाइप का आदमी है ना. हम भी कभी कभी सोचने से बहुत दुखी लगते हैं. वही हम थोड़ा पहले नीचे गया ना वो इतना एग्रेसिव हो रहा था ना दरवाजा खोलो तोड़ो तोड़ने के लिए कर रहा था. पागल भी है बीमारी भी है वो क्या बोलते हैं ऑर्फेन ऐसा लग रहा है. जो घर घर का प्रॉब्लम होता है वो लोग ही बेच सकते हैं मतलब अपना मर्जी. हम तो खुद का मर्जी से ही आए हैं. आप कब से बैठ रहे हैं हमें घर से? अब ठीक है मेरे बोरिंग लग रहा था आजकल अच्छा लगता है ना. ये लोग के लिए बना दे रहा होगा ना बिल्डिंग. आपको आके कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है. मालूम ही नहीं था ना ऐसा है बोल. And this is ऐसे हेल्प करते हैं. आज ये खाएगा यहाँ का ग्रैंड मदर. ये अभी नया हॉस्टल यहाँ में शिफ्ट करेगा होगा ये बन जाने का बाद. मेरे पास भी नहीं है.
हम जा रहे नहाने का, अब तो आ जाए ना, कल परसों आएगा। हाँ आएगा, कल परसों जाएगा। क्या जाएगा? ना लगा जाएगा, अब आएगा। आएगा आएगा, अब आवाई होगा। आवाई आएगा। This is also some word I don't know. अभी सब को मिल लिया, देख लिया। फीलिंग वेरी अजीब, आई डोंट नो। इट्स मोर लाइक अ रिहैब सेंटर एंड अ मेंटल एंड एन ऑर्फनेज, एवरीथिंग इज दिस प्लेस। एंड आई थिंक दीपक नवम सर इज डूइंग सच अ ग्रेट जॉब। खुद से उन्होंने खुद स्टार्ट किया था, बिकॉज ही वॉज वंस अ विक्टिम ऑफ दिस थिंग। सो वो खुद स्टार्ट किया एंड देन अभी सबका हेल्प कर रहा है। इट्स वेरी नाइस। हेलो 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 हेलो, वीडियो लिया बाय। हम लोग वहाँ से आ गया, पग नवम लिविंग होम से वापस आके, तो अभी रूनी का बेबी शावर है, बच्चों का बेबी शावर है, वहाँ पे जा रहे हैं। तो दीपक नवम का वहाँ में जाके बहुत वो लगा, दिल बहुत अजीब सा हो गया है कि आई थिंक पीपल शुड नो दैट कि वहाँ में भी कुछ है, कि तो कोई भी अवेयर ही नहीं है कि वो चीज़ तो वहाँ पे कोई कुछ ऐसा था। एमी अगर वहाँ पे वॉलंटियर नहीं करने से हमको तो पता भी नहीं चलना था कि ऐसा कुछ है, बट वहाँ जाके पता चला इतना